हम प्रार्थना करें ये दया सगर पिता आपके बेटा बेटिया संरक्षक संतनी के त्यौहार बनाने की तैयारी में जो जन्ने तैयार किए गए हैं उसे आशीष देकर पवित्र कर। यह झंडा जैसे आकाश के ऊपर उठता है वैसे ही इन सभी भक्तजनों का मन आत्मा भी स्वर्ग की ओर उठते रहे। इन 9 दिनों में इस झंडे की ओर देखने वाले सभी भक्तजन संतनी को याद करते हुए उनके आदर्श पर चलकर आपको और अधिक प्यार और सेवा करने वाले बने यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रेस के द्वारा उनके पिता हमारे Thank you.
के
पालिक की ओर से धन्यवाद के रूप में इन सब निलास समान इस सब निलान अर्पित किया जाता है। तो आइए हम सब Thank you.
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए एक अपना एक वादा पत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसीलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जोर से बोलो, हंस के बोलो और हाथ मिला के बोलो। एक दूसरे से हाथ मिला नहीं, सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। और जैसे माता मरियम गाना गाई, माई सोल ग्लोरीफाइज द लॉर्ड, मेरी आत्मा प्रभु का जय जयकार करती है। और आज आपके बीच में रहकर मेरी आत्मा भी प्रभु की जय जयकार करती है। और विशेष करके संत अंतोनी की बात करेंगे, मेरी आत्मा और जय जयकार करती है। संत अंतोनी का पर्व कब है? कब है? 13 जून। 13 जून मेरे लिए 13 लकी पर्सन अनलकी पर्सन यही मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि 13 को मेरा ऑर्डिनेशन हुआ था और 13 जून को मेरे जीवन का फैसला होने वाला था कि मैं जीऊं या मरूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बंबई का बापू और बंबई का बापू होते हुए हम जब चर्च में जाते थे, काउंसिल चर्च, और वहां पर संत अंतोनी का गरीना होता है 4 से 13 को पर्व। और मैं उसी चर्च में ऑल्टर बॉय, यूथ क्लब मेंबर, लीजन ऑफ मेरी और दिशा में जाना मेरा काम, हर दिन दिशा में जाना, हर दिन कॉलेज टू वर्क टू मास। और 13 जून को कहा गया था कि 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने वाला है, क्या करूं मैं? तो मेरी मां ने जहां संबंधने के लिए प्रार्थना कर सब संतों को सब भक्तों को हिला और मेरी मां को जा और बोल कि मैं 2 नंबर की एक हार दूंगा आपको, क्या दूंगा? और एक हार पास बोल दो फिर बोल दो। तो इसलिए यही सोचकर मैं सबको प्लीज 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 प्रे करो मेरे लिए प्रार्थना करो। और भक्ति से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ संकल्प 4 तारीख से हर संध्या के समय मिसा में बलिदान में आता हूँ, नवीना करता हूँ और एक ही प्रार्थना संकल्प में मुझे पास कर। कुछ आशा नहीं थी क्योंकि एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आज तक मैं समझा नहीं। इकोनॉमिक्स इतना बहुत पढ़ा, फादर के साथ में था, फादर को एक रूम मुझे देना पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फ्रांसिस्कन बनूंगा कि पढ़ने हैं। आप क्या सोचते हैं, किसी को भी फादर बनना है? फादर जो घंटा का फादर, इसको फादर बना बना, जो मस्ती करता है क्या क्या करता है, इसको फादर बना नहीं बोलते आप लोग, इसको सबको कोई भी फादर बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने डिसीजन लिया था कि मैं फादर बनूंगा फ्रांसिस्कन, सब फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अभी है पास होना और मैं पढ़ रहा था, अच्छे से पढ़ रहा था। और जब इकोनॉमिक्स सब पढ़ के मैं निकला एग्जाम के लिए और वहां पर शैतान ये पेपर लीक हुआ, देखने तो सब आपको कोई दिखाएगा नहीं,
बेटी उसका सिर्फ पीछे का भाग देख रहा हूँ। मेरा प्यारे भाई बहन ऐसी परिस्थिति अभी सिर्फ एक ही था कि वो विंडो से जंप करूं, जंप करके लेकिन मैं गिरूंगा तो मरूंगा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कभी प्रार्थना किया क्योंकि मेरी माँ एक ही कहती थी, प्रार्थना कर। बोला हे प्रभु तुझे पता है ना मैं पढ़ा हूँ, प्लीज प्लीज कुछ तो कर, हे सद्भक्तों की, हे माता मुनि, सब सद्भक्तों मेरे लिए बोलो, मेरे लिए कितने आज अच्छे लोग आपको ऐसे बोलते जाएंगे तो क्या अच्छा लगता है, तो मेरे लिए प्रार्थना करो। और फिर मैं बोल कर दिया, मैं लिया, ये लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा पेन लिख रहा है, मैं लिखा अच्छे से लिखा, लिख रहा है, कहता था क्या क्या आ रहा है, ठोक रहा है, सुन रहा है, तो मैं लिखा अच्छे से लिखा, एक पे, दो पे, लिखते लिखते मैं ना खत्म, घंटी बज गई, मेरी भी घंटी बज गई। और घंटी बजने के बाद आया मैं बाहर और मेरे सब दोस्तों बोलते अक्टूबर जिंदाबाद, मीन्स क्या हम लोग सब फेल होने वाले, अक्टूबर में हम लोग वापस, लेकिन मैं भी बोला अक्टूबर जिंदाबाद नो फादर, फेल हो गया तो भी फादर होना ही। और फिर भी मेरा विश्वास था, चलो प्रार्थना कर रहा है सतपुर के लिए, और 13 जून को मेरा रिजल्ट आने वाला, 13 जून को, और 12 जून को वहां पर सेंटर था जाना है, और 20 रुपया देना है, 50 रुपया देना है पास या फेल के लिए, क्यों तुम फेल होगा तो पैसा लिया ना, तो इसलिए घर गया, दूसरे दिन तो अच्छे से नहाया आखिरी स्नान, और मम्मी बोला बाय मां बाय, और मम्मी ने तेल भी लगाई, ये संतरे की सब तेल मालिश की, तो मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला तेल मालिश से। और फिर मैं जा रहा हूँ सेंटर में, गया मेरा नंबर नहीं आया, यानी कि फेल हुआ। अभी क्या करूं, आगे जाओ तो हाईवे, पीछे जाओ तो रेलवे ट्रैक, हाईवे पे सब गाड़ी में ठोकी ने मैं लंगड़ा हो गया तो कैसे गर्लफ्रेंड के साथ नाचूंगा, पीछे जाएगा तो रेलवे ट्रैक पे लोग सोने नहीं देते, तो बोला चलो जाकर प्रार्थना कर लिया आखिरी। और सदन का मिस्सा फादर मिस्सा कर रहे थे, बोला फादर प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई विल पास, और फादर क्या बोले, फ्रांसिस व्हाट यू रोट विल कम, जो ऐसी करनी करनी। लेकिन मैं बोला नो फादर, मैं कभी बोल रहा था फादर को मेरिकल्स कैन हैपन, फादर प्लीज प्रे। देखो प्रार्थना किया, सबको मिला, सब बोला बाय बाय बाय, कॉलेज में जा रहा था और कॉलेज का हीरो बना बड़ा जीरो, और गया बाहर खड़े को बोला सर, हेलो सर पास या फेल, और सर बोले पास, बस सर आज मजाक नहीं करना मेरा मूड नहीं, पास या फेल पास, और सर ने गाली दिया, मैं कभी आपको नहीं मिला, मुझे गाली देकर बुला ला रहे आ, बस सर और एक बार पास, अरे पास हुआ है देखना देखा, हाँ मैं हुआ पास, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों इतना खुश हुआ ना, और ये सब ना होता है संत अंतोनी के लिए, संत अंतोनी के लिए, उसके लिए पास में प्रार्थना किया, और आज आप देखेंगे वो मेरा भाई है, कौन है वो मेरा, तो आपको सब जो कुछ नहीं मिला तो मुझे बोलना है, मैं बोलना है एंथनी डू दैट, क्योंकि वो फ्रांसिस्कन समाज का, सेंट फ्रांसिस असिसी का, वो हमारे समाज का हमारा ब्रदर है, वो हमारा अपना है, और वो है संत अंतोनी। मेरे प्यारे भाई बहनों संत अंतोनी उसका नाम सारे जग में, लेकिन एक कहना चाहता हूं कि ये भक्ति ये भावना ये प्यार कहां से, मेरी मां से, मेरे पिताजी, ये प्यार ये भक्ति सब मेरे मां ने, मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने मुझे दिए, पापा और मम्मी कभी नहीं कहे मैं जमसा के लिए, कभी नहीं कहे, वो एक तो भक्ति है और दूसरा है प्यार। मेरे प्यारे भाई ये सबसे बड़ी
संसार में है और वो संसार की चीजें प्यार। अभी हम लोग बोल सकते हैं हमारे परिवार में प्यार है, कितने परिवार जो यहाँ पर हाथ उठाकर बोल सकते हैं कि हाँ मेरे घर में प्यार है, मेरे घर में शांति है, किसके घर में है? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। आप मुझे देख रहे हैं, कहाँ है शांति, कहाँ है प्यार हमारे परिवार में, कहाँ है? बोलिए। तो ये आदमी आया और उसने एक महान आदमी से बोला, भक्त से बोला, मुझे शांति चाहिए। तो वो क्या कहा, तू जाकर घर घर में मांग शांति और तुझे बीवी तो आ जाए मेरे पास। वो घर गया, सब घर में गया, प्लीज आपके पास शांति है मुझे देना, आपके पास प्यार है मुझे देना। सब लोग ने बोले हमारे घर में शांति नहीं, हमारे घर में प्यार नहीं। और वो ऐसे ही खाली हाथ गया और खाली हाथ आया। और ये परिस्थिति हम सबों के घर में है, शांति नहीं है और सबसे बड़ा प्यार नहीं है। और विशेष करके हम सब क्रिश्चियों के घर में क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यीशु आया शांति लाया, यीशु आया है जीवन लाया, यीशु आया है हम लोग के लिए खुशी खुशी लाया है। कहां पर है, क्यों हम लोग के क्रिस्त घर में ये सब कुछ नहीं है? क्योंकि हम लोग के घर में क्रिस्त नहीं है, हम लोग के घर में यीशु का प्यार नहीं है और हम लोग के घर में यीशु के वचन नहीं है। और हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं आज का सुसमाचार, ढूंढना नहीं कभी, सेंटर ऑफ द गॉस्पल, ऑल द एवरीथिंग इज हियर 360। बोलो योहान 3:16, बोलिए योहान 3:16। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करता है प्राप्त होता है। यानी कि ईश्वर ने प्यार किया है और यह प्यार यीशु के प्रति आता है। जब यीशु आता है, आज आप देखिए माता मरियम जाती है अपने कजन को मिलने के लिए, और जैसे कजन को मिलने के लिए, एलिजाबेथ को मिलने के लिए जाती है, उसके पेट में जो बच्चा है वो फूटता है, वो पवित्र आत्मा से भर जाती है और कहती है धन्य है। हम लोग के पास यीशु है, आपके पास यीशु है, खुशी है यीशु की कि आपको देखकर, हमको देखकर संसार खुश है। कहां है यीशु, कहां है उसका प्यार? उसका प्यार हमको के पास नहीं है, उसकी दया नहीं, उसकी शांति नहीं, और ये प्यार हमको परिवार में नहीं है, खो गया है। ढूंढो ढूंढो प्यार कहां है, और वो प्यार यीशु में है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके प्यार को, मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु आता है, यीशु आता है, माता होने में यीशु संसार में भी है, और यही यीशु को लेकर हम लोग के घर में प्यार को बढ़ाना है, बढ़ाते नहीं मेरे प्यारे भाई, यही प्यार तो नहीं है। पति पत्नी में कहां प्यार है, कहां प्यार है? आज कल डिवोर्स होता है, छोड़ जाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है। क्यों प्यार नहीं? क्योंकि हम लोग सब एक अजगर को पालते हैं, अजगर को पालते। एक महिला अजगर को पालती थी और अजगर को पालती थी और ऐसे हुआ कि अजगर खा नहीं रहा है, बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर को बोली, देखो डॉक्टर ये अजगर है, ये खाता है पीता है कुछ नहीं करता है। तो डॉक्टर ने टेस्ट किया, डॉक्टर बोला अजगर तो ठीक है। फिर डॉक्टर ने बोला मुझे बोलिए कि अजगर आपके साथ है? हाँ, ये अजगर रात के समय से कुछ भी समय आपके ऐसे बदन पर जाता है, जाता है। वो क्या बोलता है डॉक्टर कि ये अजगर आपका नाप ले रहा है, वो खा नहीं रहा है क्योंकि वो आपको खाने की तैयार कर रहा है। ऐसे मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग अपने घर में अजगर को पालते हैं, पति पत्नी
ऐसे परिस्थिति होती है। और याद रखो याचकर शुरुआत में आया था, ये सांप शुरुआत में आया था जब ईश्वर के साथ पति और पत्नी ईवा और आदम थे। और ईश्वर ने बोला एक ही चीज मत करो, मत करो, और वो है ये पेड़ का फल मत खाओ, मत, डोंट डू इट। और यहां पर शुरुआत होती है कि वो जाती है और वो सांप है, वो तो सांप तो आ जा, आ जा, आ जा, ले ले, खा ले, सो नाइस, सो गुड, सो वंडरफुल। और ये खाती है, पति आता है, लेकिन युवा को बोलना चाहिए नो मास्टर, नो, मत कर ऐसा, मत कर ऐसे, मत कर मेरी पत्नी, ऐसे मत कर। लेकिन वो भी खाया। और क्या हुआ, यही जो ईश्वर के साथ एकता थी वो एकता बिगड़ गई और हमको स्वर्ग से उतर गए। यही मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यार यानी एक है, हम लोग को प्यार करना है यानी शब्दों का पालन करना है। आपने जो वचन दिए थे शादी में, क्या बोले थे शादी में पति को, क्या बोले पति को, सब भूल गए, क्या बोले पति को, मैं जीवन भर मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने बोला ही नहीं, मैं तुझे प्यार करूंगा, सुनने तुमने मारे दम तक मैं के विश्वास करूंगा, तेरे साथ क्या करूंगा। वाह रे वाह, कितने अच्छे वचन बोले, किसके सामने, पवित्र कलीसिया के सामने, माता मरियम के सामने, यीशु के सामने। लेकिन क्या हुआ, तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, जो वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया था निभाना, कहां निभाता है, दूसरे के साथ, दूसरे के साथ निभाती है। प्यारे ने परिवार में जो प्यार का वादा किए थे प्रभु को लेकर, वही नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके परिवार कैसे बनेगा। और आप तो पति पत्नी अपने बच्चों को क्या देख दे रहे, क्या मॉडल कर रहे हैं, इसलिए बच्चों आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं, इसको कॉपी कर, उसको कॉपी कर, इधर कट उधर कट 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 बाहर कर कर ये कर रहे, लेकिन कहां डैडी को कॉपी दे, मम्मी को कॉपी दे, सबको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग दिखने का है और मॉडल मॉडल। अब आप लोग अपने परिवार के लिए मॉडल है, आपने प्यार लेना तो बच्चों में भी प्यार आएगा और वही प्यार। तो पति पत्नी लोग आपको प्यार करना है, और ये प्यार आप लोगों ने आज 1 Corinthians 13 में पढ़े, प्यार क्या है, व्हाट इज लव, पेशेंट, काइंडनेस, सब कुछ जो भी अच्छा है वो प्यार आप करते हैं। परिवार में नहीं है, कितना पेशेंट है, कितना आपके पास सहानुभूति है, नो प्रॉब्लम, ओके, नहीं, अभी गर्मी हो रही है, कितने जन को पेशेंट है गर्मी का सहन करना, कितने जन को पेशेंट है मेरा सरवन सुन के रहना, कितने चले जाएंगे मोबाइल बजा ट्रिक ट्रिक चले गए, पेशेंस नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन के, हम लोग को अपने जीवन में प्यार है तो ये सब कुछ को डालना है और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ये सब कुछ डालने से। फिर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये माँ बाप ईश्वर की वरदान है और ईश्वर का वरदान को आपको समझना है। और ये माँ बाप लोगों ने आपके लिए जो किए है, खून है, पसीना है, सब कुछ है आपके लिए, तो ये माँ बाप आपके लिए भगवान बनते हैं, इनको भगवान का दर्जा देना है। लेकिन बच्चों और आजकल भगवान को, माँ बाप को भगवान का दर्जा नहीं दे रहे, माँ बाप का पैर भी नहीं छू रहे, माँ बाप को प्यार भी नहीं कर रहे, माँ बाप को आई लव यू भी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि आपको मोबाइल मिल गया है, सब कुछ मिल गया है और माँ बाप को छोड़ दिए। एक माँ, एक महिला थाने स्टेशन पर थी और मेरे दोस्त को कॉल आया और हम लोग तीनों जन गए और 3 दिन से वो पड़ी है और वो कैंटीन वालों से बड़ा कॉल सब दे रहे हैं।
की इजाजत तो मुझे भी लेकर गया। तो मैं गया और वो माँ के पास बैठा और मैंने बोला आई काय जलन, आई काय जलन। और क्या बोली माँ, मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया। बोला माँ मैं आ रहा हूं, 3 दिनों में बेटा माँ को छोड़कर गया आया नहीं। माँ को पता नहीं है घर कहाँ है क्या है, बुढ़िया है वो। बेटे ने माँ को छोड़ दिया रास्ते पर और उसी माँ को उठाकर हम लोग ने मदर टीसा के घर में लेकर गए और माँ पर एंट्री कर दी। ऐसी परिस्थिति आजकल होती है, बच्चों को माँ बाप की परवाह नहीं करते, माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना ये तेरी माँ तेरे बाप एक ही माँ है, बार बार नहीं है। आज मैं रोता हूँ अपने माँ बाप के, मेरी माँ ने मेरे पिताजी ने कितना रोता हूँ। और वो गाना याद आता है मानसिक एकाग्रता तथा आत्मिक दृढ़ता प्रदान कर।
हम नित्य कुमारी धन्य
धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुवार पर Thank you.
नजर की अपनी आंखें बंद कीजिए। अभी हम दो तीन मिनट जनाब प्रार्थना करेंगे, चंद्र की प्रार्थना और विशिष्ट परिवार की प्रार्थना। और यीशु का नाम पवित्र नाम, वही नाम की चंगाई है, वही नाम में मुक्ति है, वही नाम में जीवन है, और वही नाम से शैतान डरता है। और जो भी बुराई हमारे परिवार में हो रही है सब दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु की चंगाई मिल जाए, प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ अच्छा हो गया। तो हम लोग सब एक साथ मिलकर यीशु का नाम बोलो, यीशु 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 बोलो, यीशु 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 यीशु, जोर से बोलो आपके सारे आराधना हो रही। तो साथ में आर्य आर्य बोलो